स्क्रीनशॉट फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो एक गरीब देश में पला बड़ा है, बट उसने करोड़ों रुपए की चोरी करी है और उसने इंस्टाग्राम पर अरबपति होने का दावा किया है। उसका नाम है हश पपी। ये कहानी है एक फेक नाइजेरियन बिलियनेयर की। चैप्टर वन, नाइजीरिया। 11 अक्टूबर 1982 को इसका जन्म हुआ लेगोस, नाइजीरिया में। इसका असली नाम है रामन अब्बास, पर अब लोग उसको हश पपी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसकी माँ ब्रेड बेचा करती थी और इसके पिता टैक्सी चलाया करते थे। वो खुद सेकेंड हैंड कपड़े सिलकर पहना करते थे। वो अपनी ज़िंदगी से इतना असंतुष्ट था कि वो सीधा साइबर क्रिमिनल बन गया। साइबर क्राइम करके उसने पैसे तो कमा लिए, पर उन पैसों से वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाया। उसे इस स्कैम को मास्टर करना था और इस खोज में वो मलेशिया आ पहुँचा। चैप्टर टू, मलेशिया। मलेशिया में जाकर वो इस स्कैम के बारे में खोज करने निकला था। उसका नाम बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, BEC स्कैम है। ये स्कैम करने के लिए मास्टर हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हैकर्स किसी कंपनी के ईमेल को हैक करते हैं और फिर वो ईमेल्स को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, और जिन ईमेल्स में ट्रांजैक्शन की बात होती है वो उन ईमेल्स का रिप्लाई देकर उनके बैंक डिटेल्स पूछा करते हैं और उनसे पैसे लूट लिया करते थे। इस स्कैमिंग ने हश पपी को बहुत अमीर बना दिया। अब उस पर मशहूर होने का जज्बा भी चढ़ गया था, तो अब वो इंस्टाग्राम पर लोगों को अपनी आलीशान ज़िंदगी दर्शाने लगा। पर अब इतने पैसे चुराने के बाद हश पपी को ये पैसे छुपाने के लिए कोई सुरक्षित बैंक और जगह की ज़रूरत आ पड़ी। उन्हें टैक्सेस से भी बचना था, इसलिए अब वो दुबई आ पहुँचे। चैप्टर थ्री, दुबई। दुबई अपने रहवासियों को बैंक सीक्रेसी की संधि देता है और दुबई टैक्स फ्री भी है। दुबई जैसे हश पपी के लिए ही बना हो, तो हमारे जनाब भी आ पहुँचे दुबई और हश पपी को अपने पैसे छुपाने की जगह मिल गई। तो अब हश पपी को कोई रोकने वाला भी नहीं था और वो इंस्टाग्राम पर अपनी दौलत और आलीशान ज़िंदगी का प्रदर्शन करने लगे। वो गूची से चीज़ें खरीदते थे और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे। उनका इंस्टाग्राम पैसों से चमक रहा था। वो हेलीकॉप्टर राइड्स, महंगी गाड़ियाँ, पेंट हाउसेस, प्राइवेट पार्टीज़, फॉर्मूला रेस के इन्विटेशंस पर जाया करते थे और वो हमेशा एलीट पार्टीज़ में सेलिब्रिटीज़ के साथ पार्टी किया करते थे। उसके पास लाखों रुपए के कपड़े, घड़ियाँ, रोब्स और बहुत कुछ था। FBI के फॉर्मर एजेंट स्कॉट ऑगनबॉम के अनुसार, हश पपी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर अपने ही पापों का घड़ा भर दिया। उसने जो वर्साची का सूट भाड़े पर लिया था, वो कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर नहीं खरीद सकता है। हश पपी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और सारे FBI का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया। चैप्टर फोर, हश पपी के अंत का आरंभ। FBI हश पपी को केवल पैसों से सजे इंस्टाग्राम पोस्ट पर गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, पर जब गालिब अलाउमरी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो काले धन को वैध बताने का काम किया करते थे और पुलिस को गालिब अलाउमरी के फ़ोन में हश पपी के साथ काफ़ी लंबी और गंभीर बातचीतें मिली। वो दोनों भी ग्लोबल स्कैमिंग नेटवर्क का हिस्सा थे, जहां अलाउमरी पैसे दिया करते थे और अब्बास उसे बैंक अकाउंट दिया करता था ताकि वो पैसे को जमा कर पाए। इन्होंने 3 कोरियन गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट्स को हैक किया था और उनका प्लान था कि वो बैंक्स और बिजनेस से अरबों रुपए चुराएंगे। और पुलिस को हश पपी के इस राज के बारे में पता चला और हश पपी पुलिस के दायरे में साइबर क्राइम के सबसे बड़े केस बन गए। चैप्टर 5, अंत। हश पपी को पकड़ना यानी पुलिस के लिए सबसे बड़ा केस सॉल्व करने जैसा था, इसलिए FBI फॉक्स हंट 2 प्लान बनाकर हश पपी को पकड़ने निकल पड़ी। 8 जून 2020 को उन्होंने हश पपी के आलिशान वर्साचे रिसोर्ट पर रेड डाली। पुलिस को लगातार करीबन 6 रेड डालनी पड़ी, तब जाके वो हश पपी को गिरफ्तार कर पाई। उसके गिरफ्तारी के साथ 11 लोग और पकड़े गए और साथ में 280 करोड़ रुपए भी पकड़े गए। इतना ही नहीं, हश पपी की 49 करोड़ रुपए की गाड़ियों का कलेक्शन भी पकड़ा गया, 21 लैपटॉप, 47 स्मार्टफोन्स, मेमोरी स्टोरेज और हार्ड ड्राइव जब्त की गई। हश पपी ने करीबन 728 करोड़ रुपए का स्कैम किया था माल्टीज बैंक से, 7 करोड़ उन्होंने US लॉ फर्म्स और UK कंपनी से, तो उन्होंने करीबन 7000 करोड़ रुपए चुराए। हश पपी को गिरफ्तार किया गया और अब वो अपनी 20 साल की सज़ा US की किसी जेल में काट रहे हैं।